नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप फाइव। हम पांच एंकर्स आपको बताते हैं इस वक्त 25 खबरों का पूरा अपडेट। और आज की सबसे बड़ी खबर है कि चुनाव जारी हैं और उपचुनाव हो रहे हैं पूरे देश में 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर। ये उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मेघालय, मध्य प्रदेश, हर एक जगह वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। वायनाड, केरल की वायनाड सीट, यहां भी आज लोकसभा के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा उम्मीदवार हैं, भाजपा की नव्या हरिदास उनसे मुकाबले में सामने हैं। ये उपचुनाव राहुल गांधी के सीट छोड़ने के बाद हुआ। दो सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, दोनों पर जीते और ये सीट छोड़ दी, जिस पर आज वोटिंग हो रही है। प्रियंका चुनाव मैदान में कांग्रेस की कैंडिडेट बनकर सामने, जीत के दावे दोनों पक्षों की तरफ से हो रहे हैं। मतदान के प्रतिशत पर देश भर की नजर है। तो वायनाड समेत मध्य प्रदेश की दो सीटें विजयपुर और बुधनी, छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण सीट, वायनाड सीट, केरल की, ऐसे 10 राज्यों की तमाम सीटों पर इस वक्त उपचुनाव में वोटिंग जारी है। शाम ये अंतिम जो घंटे होते हैं वोटिंग के, इसमें प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद जताई जाती है। सबसे अपील है, अगर आपके क्षेत्र में ये उपचुनाव या चुनाव है, जाकर वोटिंग अवश्य करें। 31 सीटें हैं जिन पर फिलहाल उपचुनाव हो रहा है देश भर में। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। यहां बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर वोटिंग हो रही है। बुधनी में रमाकांत भार्गव और राजकुमार पटेल की बिढ़त है। बुधनी में कुल 20 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं विजयपुर में राम निवास रावत और मुकेश मल्होत्रा आमने सामने हैं। विजयपुर में कुल 11 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने महाराणा प्रताप स्कूल में बने मतदान केंद्र में सपरिवार जाकर मतदान किया है। मतदान के बाद उन्होंने कहा कि बिना भेदभाव के रायपुर का विकास होगा, मोदी और विष्णुदेव साय की गारंटी हर व्यक्ति तक पहुंचेगी। वही कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने सुंदरनगर के पोलिंग बूथ पर मतदान किया, उन्होंने भी चुनाव में जीत का दावा किया। देखिए, यहाँ पर केंद्र विष्णु मोदी जी की सरकार, विष्णुदेव जी की सरकार, सारी योजनाओं को हर व्यक्ति को लाभ मिले, मोदी की गारंटी का लाभ मिले और तेजी के साथ में यहाँ पर विकास हो, लोगों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिले। नहीं, उठते जीतने क्या लग रहा है? अच्छे मार्जिन से जीतेगी भारतीय जनता। कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद है कि मुझे ऐसे 34 साल के युवा को अवसर दिया है और जनता के बीच जाने का अवसर दिया है। मुझे भरोसा है लोकतंत्र के अवसर में सबको निवेदन करना चाहूँगा कि मतदान अवश्य कीजिए। आपका मतदान जो है आने वाले 4 साल में आपके क्षेत्र को मूलभूत सुविधाएं जो है, रोड, बिजली, पानी, समस्याओं पर लड़ने वाला एक सक्रिय अधिकारी चुनिए। रायपुर के दानी गर्ल्स स्कूल मतदान केंद्र में झड़प की खबर सामने आई, जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की नौबत बन गई। बीजेपी का गमछा पहनकर मतदान केंद्र में जाने के चलते झड़प की वजह बताई जा रही है। वहीं महापौर एजाज ढेबर के फूड पैकेट बांटने को लेकर भी विवाद होने की खबर सामने आई। फिलहाल झड़प के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। इधर विजयपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग के दौर जारी है। विजयपुर की लड़ाई नजरबंद तक आ गई है। बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत और कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा के साथ ही सभी 11 उम्मीदवारों को नजरबंद कर दिया गया है। इस मामले में कलेक्टर का कहना है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से, सम्मान से हो, कार्यकर्ता आपस में लड़े नहीं, लिहाजा प्रत्याशियों को नजरबंद किया गया है। वहीं विजयपुर के बाद बुधनी विधानसभा में भी विवाद की स्थिति देखने को मिली। यहां शाहगंज मतदान क्रमांक 54 में विवाद हुआ, जहां 3 वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई है। दोनों ही तरफ से हमें शिकायत प्राप्त हुई है, शिकायत की जांच करके उसमें जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसमें कार्रवाई की जाएगी।
और जो लोग भी सम्मिलित होंगे उनके गठित प्रतिबंधात्मक कार्रवाई। पूरे क्षेत्र में छोटी छोटी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, उधर तुरंत हम लोग पहुँच के राजन कर रहे हैं। और जब बाहर निकले तो कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मारपीट चालू कर दी, तीन गाड़ियाँ तोड़ दी और शायद की व्यवस्था तो ऐसी है कि ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के ये सब कराया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपनी संभावित पराजय सामने नजर आ रही है। और अब एक और विवाद की तस्वीर देखिए। श्योपुर में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को बॉर्डर पर रोक दिया गया, नियमता ये ठीक है। श्योपुर के कुहार राजपुर बॉर्डर के पास उन्हें घुसने से रोका गया। मौके पर कांग्रेस के कार्यकर्ता ये देखकर हंगामा करने लग गए। बॉर्डर पर कुछ देर के लिए थोड़ा तनाव हुआ। विधायक बाबू जंडेल समेत कई कांग्रेस नेता इस अवसर पर मौजूद रहे। तो नेताओं के वाहन की चेकिंग और उनको रोके जाने पर देश भर में इस वक्त विवाद की स्थिति बन रही है। ऐसा एक विवाद जीतू पटवारी को बॉर्डर पर रोक देने पर हुआ। विधायक बाबू जंडेल ने और उनके समर्थकों ने इसका विरोध किया। कलेक्टर और एसपी नौकर बनके बीजेपी का काम। और इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने शिवसेना यूटीबी गुट के चीफ उद्धव ठाकरे के अलावा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार के बैग की भी चेकिंग की। गडकरी के बैग की चेकिंग लातूर में की गई जब वे औसा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अभिमन्यु पवार का प्रचार करने पहुंचे। भाजपा ने फडणवीस का वीडियो बुधवार को जारी किया। फडणवीस के बैग की चेकिंग 5 नवंबर को कोल्हापुर में की गई। अजीत पवार ने खुद वीडियो जारी किया और बताया कि कैंपेनिंग के दौरान ईसी अफसरों ने उनका बैग चेक किया है। इससे पहले मंगलवार को उद्धव ने के हेलीकॉप्टर की चेकिंग की गई थी। वो उस्माना बागदू में औसा सीट पर प्रचार करने आए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को दरभंगा से 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री ने दरभंगा एम्स की नींव रखी। शोभन बाईपास में 187 एकड़ जमीन पर 750 बेड वाला राज्य का दूसरा एम्स बनेगा। सरकार ने 2019 और 20 में दरभंगा में एम्स की स्वीकृति दी थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने नवनिर्मित 3 रेलवे स्टेशन समेत 389 करोड़ की लागत से बने दरभंगा रेलवे बाईपास लाइन का भी लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन 3 नए रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली उद्घाटन किया है उनमें घाटी रेलवे स्टेशन, दिल्ली मोड़ के पास दरभंगा बाईपास हॉल्ट और शीशो रेलवे स्टेशन शामिल है। और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इसमें वे गुस्से में नजर आ रहे हैं और कांग्रेस उम्मीदवार के चुनाव कार्यालय में जाते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान वे कहते हैं कि ऐसा सिखाते हैं कि आप लोग बताया जा रहा है कि 11 नवंबर की देर रात शिंदे अपने काफिले के साथ साकीनाका इलाके से गुजर रहे थे। इस दौरान संतोष काटके नाम के युवक ने शिंदे को काला झंडा दिखाया और उन्हें गद्दार कहा, साथ ही उनके काफिले को रोकने की कोशिश भी की। ये पूरी घटना कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व मंत्री नसीम खान के चुनावी कार्यालय के बाहर हुई, जिसका किसी ने वीडियो बना लिया। एक अधिकारी ने बताया कि संतोष काटके को सुरक्षा कर्मियों ने हिरासत में लेकर पुलिस को सौंपा था, हालांकि उसे बाद में जाने दिया गया। और अब बात एक महत्वपूर्ण फैसले की। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगातार बुलडोजर एक्शन के बाद जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। आरोप लगाया था कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को जबरन निशाना बनाया जा रहा है और उन पर बुलडोजर वाला एक्शन लिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि कोर्ट अपने फैसले से हमारे हाथ ना बांधे। किसी की भी प्रॉपर्टी इसीलिए नहीं गिराई गई है क्योंकि उसने अपराध किया है। आरोपी के अवैध अतिक्रमण पर कानून के तहत एक्शन लिया गया, ये दावा और तर्क दिया गया। इधर बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घर सबका सपना होता है, ये बरसों का संघर्ष है और सम्मान की निशानी है। अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारी को यह साबित करना होगा कि यही आखिरी रास्ता था। अफसर खुद जज नहीं बन सकते। और भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। 2 दिन के अंदर रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। जानकारी के मुताबिक अक्षरा ने मोबाइल पर 11 नवंबर की रात 1 मिनट के अंदर 2 अलग अलग नंबर से कॉल आए और रंगदारी मांगने वाले ने एक्ट्रेस के साथ गाली गलौज भी की। धमकी देने वाले ने कहा कि 2 दिन का वक्त है, 50 लाख रुपए भेजो, रकम नहीं मिली तो जान से मार देंगे। वहीं धमकी के बाद अक्षरा सिंह ने अपने एक करीबी को लिखित आवेदन देकर दानापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। थाना अध्यक्ष प्रशांत भारद्वाज ने बताया कि लिखित में आवेदन मिला है, पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद केस दर्ज किया जाएगा।
और खबर छत्तीसगढ़ से है, किसानों से जुड़ी है और अच्छी खबर है। धान की खरीदी प्रदेश में यानी छत्तीसगढ़ में कल से शुरू हो जाएगी। धान खरीदी के लिए सारे इंतजाम पूरे कर लेने का दावा है। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल मंगलवार को रायपुर स्थित निवास दफ्तर पर अधिकारियों की बैठक लेकर धान खरीदी की व्यवस्था पर समीक्षा कर चुके हैं। दावा कर रहे हैं कि सब कुछ चौकस है, व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो तस्वीरें जो अक्सर धान केंद्रों से सामने आती अव्यवस्थाओं की, अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा, ये दावा है। कल से धान खरीदी शुरू हो रही और किसानों की संख्या 27,01,000 से ऊपर है। बायोमेट्रिक डिवाइस के द्वारा उपार्जन की व्यवस्था जो पिछले सालों बनाई जाती रही वही रहेगी। लघु सीमांत कृषकों को 2 टोकन की पात्रता होगी, क्योंकि मात्रा के आधार के ऊपर उन्हें तय करना है। बड़े कृषकों को 3 टोकन तक मिल पाएंगे। ये धान खरीदी को लेकर इंतजाम हुए हैं। शिकायत के लिए कंट्रोल रूम बना है जिसमें आप शिकायत कर सकते हैं, किसान अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। और ये टोल फ्री नंबर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इस नंबर के ऊपर भी आप व्यवस्थाओं को लेकर कोई शिकायत पहुंचा सकते हैं। तो एक बड़ा अपडेट आपको रायपुर से बता दें, छत्तीसगढ़ में शराब के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया गया है। आबकारी विभाग ने एक मोबाइल ऐप डेवलप कराया है और इस ऐप का नाम है मनपसंद ऐप। इसके जरिए अब मनपसंद शराब की जानकारी आपको मिल सकेगी, किस दुकान में कौन सी ब्रांड है और किस ऐप पर ये उपलब्ध है, सब इस पर जानकारी रहेगी। ब्रांड, प्राइस, दुकानवार शराब की ढूंढने की सुविधा इस ऐप के जरिए आपको मिलेगी। और अगर ऐप में इसकी जानकारी है और दुकान, ये दुकान का जो मालिक है ये कहता है कि वो शराब की व्यवस्था नहीं करा सकता, तो आप कंप्लेन भी दर्ज करा सकते हैं। तो मनपसंद ऐप एक नई व्यवस्था है। मनपसंद ब्रांड आपका कहां कहां उपलब्ध है ये आपको ऐप पर मिल जाएगा। ये ऐप अभी से लॉन्च भी हो गया है, एक्ट भी हो गया है, लेकिन फिलहाल जो यूजर्स हैं आईफोन के उनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इसी पर है अब से कुछ देर बाद हमारा स्पेशल प्रोग्राम जिसमें आपको इससे जुड़े हर पहलू का डिटेल हम बताएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और चलिए रायगढ़ की बात करते हैं, जहां रायगढ़ दौरे पर आए सीएम साय ने जनजातीय गौरव दिवस को केंद्र सरकार की बड़ी पहल बता दिया है। आपको बता दें कि जनजातीय गौरव दिवस एक बड़ा उत्सव था जिसमें सीएम ने कहा कि आदिवासियों के लिए बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय पीएम मोदी ने लिया है और ये गौरव का विषय है। पूरे देश में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 3 दिनों का आयोजन किया जा रहा है। जशपुर में बुधवार को गौरव दिवस के उपलक्ष्य में पदयात्रा भी निकाली गई। सभी जिलों में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम होगा जिसमें मंत्री सांसद अतिथि बनकर आएंगे। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां पर एक महिला डिजिटल अरेस्ट की शिकार हुई है। 3 से 5 नवंबर तक डिजिटल अरेस्ट रही है महिला। पीड़िता ने 5 दिन में ठगों को 58,00,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं। क्राइम ब्रांच मुंबई का अधिकारी बनकर ठग ने वीडियो कॉल किया था। पंडरी थाना क्षेत्र की ये पीड़ित महिला रहने वाली बताई जा रही है। ठगी के दौरान पीड़िता ने किसी को जानकारी भी नहीं दी। 58,00,000 ट्रांसफर करने के बाद इस महिला ने ये जानकारी अपनी बेटियों को दी। तो बोला गया कि अपने उसका जितना कुल राशि है, उसका जितना भी अमाउंट है उसके अकाउंट में, उसका कुल 96% उसको ट्रांसफ़र करना है। और जिसके बाद उसको एहसास हुआ कि उसके साथ साइबर ठगी हुई है और जिसमें उसने सूचना दी, जिसमें हम लोगों ने FIR दर्ज करके इसमें हमने उसमें जाँच करवा ली। इधर भिलाई के कोहका के दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर में गाली गलौज और मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रविंद्र और दिनेश राय से परेशान मंदिर समिति सहित मोहल्ले वासियों ने दुर्ग SP से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होते देख मंगलवार देर रात मोहल्ले वासियों ने पुलिस चौकी का घेराव किया था। इस घेराव के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। और उधर गुना जिले के मृगवास में भगवान हनुमान की प्रतिमा पर गंदगी लगाने से लोगों का गुस्सा बढ़ गया। आक्रोशित लोगों ने मृगवास थाने का घेराव किया, जमकर हंगामा किया। महिलाओं ने भी इस पे जमकर प्रदर्शन किया। देर रात तक ये प्रदर्शन जारी रहा। रामधुन गाकर कीर्तन करके लोगों ने इसका विरोध जताया। मौके से तहसीलदार वहाँ पहुँचे और उनको बैरंग ही लौटना पड़ा। और उनके गुस्से को देखते हुए मृगवास में हिंदुओं की आस्था से छेड़छाड़ का ये 3रा प्रकरण है। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लग रहा है।
इस तरह की घटनाएं बढ़ने के पीछे लोग पुलिस को भी जिम्मेदार मान रहे हैं। और इस वक्त आपको जशपुर से एक बड़ी खबर बताते हैं। जनजातीय गौरव दिवस पर पदयात्रा का आयोजन शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। पदयात्रा में 10,000 से अधिक माई भारत यूथ वॉलंटियर्स। पदयात्रा के समापन रणजीता स्टेडियम में शुरू हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भी मौजूद थे। बात है कि आज के पदयात्रा में हमार भारत सरकार के केंद्रीय खेल और श्रम मंत्री भाग लेन और उमन के उद्बोधन अभी हमारा सुनना है। और आज जो उपस्थित है, आज ये कार्यक्रम में हमार सरकार के डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी वो उपस्थित हैं, जेकर भाषण अभी आपन सुना कुछ देर पहले। हमारे ट्राइबल मंत्री आदरणीय रामविचार नेताम जी उपस्थित हैं, हमारे जसपुर के प्रभारी मंत्री और सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी वो उपस्थित हैं, टंकराम वर्मा जी हमारे खेल मंत्री वो उपस्थित है, हमारे सांसद राजेश्याम राठिया, हमारे सरगुजा के सांसद चिंतामणि और हमारे विधायकगण और सब हमारे पार्टी के नेता मन, हमारे राज परिवार के परिजन। और आज के कार्यक्रम में भाग लिए हमारे माई इंडिया के सभी वॉलंटियर्स और जसपुर के गांव-गांव से आए हमारे सज्जन ऋण मातृशक्ति, हमारे माता बहनी मन, हमारे नित पार्टी के भाई मन और अधिकारी कर्मचारी मन और ये मीडिया के साथी भाई मन, आज के ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रही से। अस्पताल में भर्ती किया गया, क्या उनकी स्थिति बनी हुई है फिलहाल जानकारी सामने नहीं आई है। तेलीबांधा इलाके में लोगों ने घेराबंदी कर उसे पकड़ा और ड्राइवर को पकड़कर लोगों ने पुलिस के हवाले किया। खमाड़ी थाने के कचना की पूरी घटना बताई जा रही है। देखिए, तेज रफ्तार की वजह से और स्पीड पर नियंत्रण नहीं रखने की वजह से लगातार हादसे होते नजर आ रहे हैं। राजधानी रायपुर में एक बड़ा हादसा हुआ है, खमाड़ी इलाके में हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि ये इसी कचना तरफ से एक तेज रफ्तार आर्टिगा गाड़ी यहाँ आई है और यहाँ पे एक ठेले को, एक्टिवा को, एक ऑटो को अभी यहाँ पे बोलते क्या वहाँ से उधर से आया कार और ठोकते ठोकते पूरा चला गया। कितने लोगों को ठोका है? तो कार गाड़ी उधर तो दो तीन लोग को ठोका है और इधर वो ऑटो को ठोका है और ये सामान वाला गाड़ी को ठोका है, ठेला को ठोका है, एक्टिवा को ठोका है। तो आप लोगों ने कैसे जान बचाई? हम लोग भागे वहाँ से, उधर से आया लड़भागा लड़भाते चले। तो उन लोगों से बात करते हैं जिन्होंने उस कार चालक को पकड़ा है। कहाँ पे पकड़ा है और क्या खबर? एक्टिवा में पीछा करके उसे तेलीबांधा चौक में जाके पकड़ा, वो वहाँ से रॉन्ग साइड में वहाँ भी ठोकते हुए जा रहा था लोगों को, फिर वहाँ पकड़ के उसे पुलिस को फोन करके पुलिस के हवाले किया। ये बताया जा रहा है कि पीछे भी वो कचना फाटक के बाद भी मारा था, वहाँ पे फाटक के पास एक व्यक्ति को मारा जिसका पैर यहाँ से खत्म हो चुका है और पैर उनका बच्चा नहीं, वो आरोग्य अस्पताल में ले गए उसे। आप देख सकते हैं कि एक बड़ा हादसा यहाँ पे हुआ है। एक तेज रफ्तार आर्टिगा कार चालक ने यहाँ पे करीब 10 से ज्यादा दोपहिया और चार पहिया वाहनों को टक्कर मारी है और उसके बाद वो तेलीबांधा इलाके में पीछा करके लोगों ने पकड़ा है। अभी फिलहाल जो गाड़ी है तेलीबांधा थाने ने जब्त की है और युवक को खमाड़ी थाने लाया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे अपनी जान जो है वो भाग के उन्होंने बचाई है, एक बड़ा हादसा यहाँ पे हो सकता था। कैमरामैन नज़ीर खान के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। इधर इंदौर में डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 11 दिन में डॉग बाइट के 1300 से ज्यादा के मामले सामने आए हैं। डॉग्स ने बच्चों को ज्यादा शिकार बनाया। अक्टूबर महीने के दौरान शहर में 3000 से ज्यादा डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं। डॉक्टर के मुताबिक सर्दी के मौसम में डॉग बाइट के मामले 4 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ध्वनि वायु प्रदूषण से डॉग्स गुस्सैल हो जाते हैं और विचलित होकर लोगों पर अटैक करते हैं।
जैसे बाइट होता है तो आपको इमीडिएट कपड़े धोने के साबुन से नियरेस्ट अपने जहाँ भी अवेलेबल है पानी वहाँ से उसको वॉश कर लेना चाहिए, नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके निःशुल्क इंजेक्शन अवेलेबल रहने वो लगवाना चाहिए और पूरा ही कोर्स करना चाहिए 03, 7, 14 और 28। दंतेवाड़ा जिला अस्पताल की व्यवस्था एक बार फिर से चरमरा गई है। जिला अस्पताल में संचालित चारों ऑपरेशन थिएटर को बंद कर दिया गया है। दरअसल 45 दिनों तक इस अस्पताल में अब कोई भी सर्जरी नहीं हो सकेगी। दरअसल मोतियाबंद कांड के बाद अस्पताल प्रबंधन ने चारों ऑपरेशन थिएटर को इन्फेक्शन की आशंका से बंद कर दिया है और अब इन चारों ऑपरेशन थिएटर को दुरुस्त करने के बाद ही इसमें ऑपरेशन शुरू किया जा सकेगा। हम लोग आईओटी को चेक करने आए थे, बाहर से बुलाया चेक करने, तो आया है बाहर से तो सभी ओटी चेक किए तो उसका कहना है कि मतलब ये ठीक कंडीशन नहीं है। तो आईबीस 24 पर खबरों का अपडेट और बड़े विषयों पर डिबेट लगातार जारी है। फिलहाल हम पांचों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।